डॉलर आया भी या बाहर से पेट्रोल को 60-70 रुपए में लेके आए और डॉलर को जनाब जला आप 100 रुपए में लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन ड्रीम टीवी में आरफ जमील साहब की हदायत के ऊपर हमने डॉलर गिराओ और पैसे को उठाओ पाक रुपीज को हमने एक प्रोग्राम किया था रमजानुल मुबारक में और लोगों ने हमारी बात को सुना। हमने ये कहा था कि रमजानुल मुबारक में पाकिस्तान माल से वजूद में आया है, लिहाजा आप डॉलर को घरों से निकालें, जहां जहां भी रखा है इसको मार्केट में फेंकें और इसकी कदर को कम करें और पाक रुपीज की कदर को बढ़ाएं। लोगों ने हमारी बात को सुना, हमें सैकड़ों ईमेल्स आई, लोगों ने कहा बहुत अच्छा किया वन ड्रीम टीवी ने और लोगों ने हमारी बात पे कान धरे। और ये भी सुनने में आया है इमरान खान साहब से मुखातब हैं और कौन से कि आपको डॉलर आया भी या बाहर से, लेकिन जितना डॉलर गिरना चाहिए था, फर्ज करो 3 रुपए गिरना चाहिए था तो गवर्नमेंट ने 1 रुपया गिराया, ये 2 रुपए क्यों नहीं गिराए। दूसरी बात यह है कि आप, मैं ये कहता हूं कि आप बजट दे रहे हैं, बजट आते जाते रहते हैं, हुकूमतें भी आती जाती रहती हैं, आप खुदा के लिए ऐसा काम करें कि गरीब के घर का चूल्हा जो है ना वो जलता रहे। और दूसरी बात यह है कि जैसे एक एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में मरीज आता है, उसकी टांग भी टूटी होती है, बाजू भी टूटा होता है, भाई उसका जब सांस उखड़ा होता है ना उसको ऑक्सीजन लगाए, तो पहले ऑक्सीजन लगाते हैं, बाकी टांग का और बाजू का इलाज बाद में होता रहता है। आप 100 अरब रुपया जो है ना वो निकालें फौरन एक साइड पे, जिसमें आपको पेट्रोल को सस्ता करें, पेट्रोल को 60-70 रुपए पे लेके आए, पूरी दुनिया में कायनात में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और आप सस्ता कर ही नहीं रहे। गरीबों को जीने दें, इनका चूल्हा जलने दें और इनकी जो आवाम की जो सांस उखड़ गई है इनकी सांस बहाल करें और डॉलर को जनाब आला आप 100 रुपए पे लेके आए, आप ला सकते हैं। दूसरा बात, आप ये बार बार एग्जाम्पल देते हैं जी 30 साल की हुकूमत ने क्या किया, 35 साल मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, जरदारी साहब ने, आप इनके 30-35 साल को ना देखें, आप भुट्टो साहब के वो 3-4 साल देखें कि जिन्होंने एजुकेशन को, हॉस्पिटल्स को, डॉलर को, निजामे तालीम, हर चीज उन्होंने ठीक करने की कोशिश की और काफी हद तक उन्होंने ठीक कर दी। लिहाजा हम आपके ये पैगाम सुनते रहते हैं, आते रहते हैं। गरीब जो है ना इस वक्त वो बिलक रहा है, गरीब की चीखे निकल गई है, ये जो अमरूद बेचने वाला है, रेड़ी बान है, शकरकंदी बेचने वाला है, कपड़े वाला है, दही बल्ले बेचने वाला है, ये गरीब है 80% लोग इस मुल्क के, उनको सांस दें, कुछ 100 अरब रुपए मुख्तस करें और ये इस पाकिस्तान में कुछ चीज सस्ती करें। ये तो जो बजट आएगा इसमें तो गरीब रुल जाएंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी, अस्सलाम वालेकुम।